अब उससे भी ज़्यादा बढ़िया जो फैमिली आईडी बनाई गई है, फैमिली आईडी से सर्कुलेशन का पता लगता है कि फैमिली में कौन तो मेंबर है, किस पे पेरेंट्स डिपेंड हैं, किस पे नहीं है, भ्रष्टाचार कम होया या बढ़िया है। वो दो नंबर में काम कर रहे थे, उसकी सुविधाएं नहीं हो सकती अब, इसलिए मनोहर लाल जी को थोड़ी सी गालियाँ पड़ रही हैं। कोई बात नहीं, हम लोग तो बोल्ड हैं, हम तो साथ देंगे ना। अच्छा। और दूसरी बात, जो कन्यादान में दे रहे हैं सबसे ज़्यादा सहयोग वही दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर बच्चे तो हैं नहीं खाने वाले, वो कहते हैं यही हमारे बच्चे। जिन बच्चों ने प्लस टू किया, अच्छे मार्क्स लिए, उनको स्कूटियाँ दी हैं उन्होंने, ये प्रत्यक्ष है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल जींद हैं। और 9 साल का मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल होगा उसमें किस तरह का विकास हुआ है? डिजिटल इंडिया की बात करें तो मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया, हरियाणा में खट्टर सरकार बदल की डिजिटल हरियाणा, तो कितना के विकास होया है, डिजिटल कितना होया है, सिर्फ दावे करे गए हैं, घोषणाएं करी गई है, या असली में डिजिटल होया और उसका कितना के कुछ लाभ मिला है, तो आंटी जी हमारे साथ बातचीत करांगे। नमस्ते आंटी जी। नमस्कार जी। डिजिटल की बात करा, पहले जैसे कोई भी स्कीम आ गई फॉर्म भरने के लिए ऑफिस में जाकर दफ्तर में जाना पड़ा करता, तो आज किस तरह जाना पड़ा? आज घर बैठे ही बच्चे, एक तो मनी मेक्स गो हुआ करता था पहले, अब वो मनी का कोई चक्कर नहीं है, फ्री फॉर्म निकलते हैं, जिस बच्चे ने भी देख लिया, जिसको भी एक्टिविटीज़ का पता चल गया, वो अपने फॉर्म घर बैठे ही भरता है, चाहे रात को 12 बजे हों चाहे सुबह के 3 बजे हों, उनको कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ से। वो सबसे सुविधाजनक ये समझता कि मैं घर बैठे हुए वर्क भी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं अर्निंग करने का जो भी सोर्स है वो भी पता लग जाता है मेरे को। आधार कार्ड तक के मन उठे जब आधार कार्ड आया? आधार कार्ड तो बढ़िया था आई, अब उससे भी ज़्यादा बढ़िया जो एक फैमिली आईडी बनाई गई है, फैमिली आईडी से सर्कुलेशन का पता लगता है कि फैमिली में कौन तो मेंबर है, किस पे पेरेंट्स डिपेंड हैं, किस पे नहीं है, क्या इनकम का सोर्स है, हाँ ये सब पता चल जाता है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हम जो दो नंबर में काम कर रहे थे उसकी सुविधाएँ नहीं हो सकती अब, इसलिए मनोहर लाल जी को वो थोड़ी सी गालियाँ पड़ रही हैं। कोई बात नहीं, हम लोग तो बोल्ड हैं, हम तो साथ देंगे ना। अच्छा। हम देंगे साथ, और हम इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी माहिर हैं। अच्छा। और भरवाने में भी माहिर हैं। आंटी जी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बना है, पहले बनिया कर जैसे उपशम चक्कर काटने पड़ा रहे, कागज उठाए फिरना पड़ा करता, अब है जो ऑनलाइन बन, उसका कुछ फायदा होया है या फिर पहले ठीक था? नहीं नहीं, अब फायदा है, अब एक तो प्रमाण पत्र घर आ जाते हैं, दूसरा मनोहर लाल जी के टाइम में हमें ये सुविधा मिली गई कि लेडीज फर्स्ट, हर काम लेडीज कर सकती है जो जेंट्स नहीं कर सकता, और आज लेडीज देखो मेरे ख्याल में तो 50-60% तक आ गए हैं पंचायत में, तो भी जी सरपंच 50% बन रही है। मैं तो कह रही हूँ आप लोगों को। और दूसरी बात है कि लेडीज़ वर्क में सबसे ज़्यादा काम जो कर रही हैं लेडीज़ ही कर रही हैं हम लोगों की, क्योंकि घर की लक्ष्मी उन्होंने ही मनवाया, और किसी की औकात नहीं थी कि जो मान जाए घर की लक्ष्मी। डिजिटल हरियाणा बात करूँ जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठा सरकार ने? सरकार ने एक तो जो अपनी 4 लाइन्स एक्टिविटीज़ की हैं, 4 लाइन बनाई है, 4 लाइन के लिए लेडीज़ को जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सिंगल रोड पे लेडीज़ को व्हीकल चलाने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहले तो उन्होंने स्कूटियाँ दी थी जो प्लस टू थी, मनोहर लाल खट्टर जी ने, आज से मेरे ख्याल में 10 साल पहले की बात, जिन बच्चों ने प्लस टू किया, अच्छे मार्क्स लिए, उनको स्कूटियाँ दी हैं उन्होंने, ये प्रत्यक्ष है। मुझे नहीं मिली, कोई बात नहीं, जब जिन लोगों को चाहिए थी उनको तो मिली ना। और दूसरी बात, जो कन्यादान में दे रहे हैं सबसे ज़्यादा सहयोग वही दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर बच्चे तो हैं नहीं खाने वाले, वो कहते हैं यही हमारे बच्चे। जो शिक्षा की बात करूँ तो जी, स्कूलों में टैब बांटे गए थे कि डिजिटल शिक्षा, उसका कुछ फायदा होया जी, नुकसान है? क्योंकि बच्चे ने जिसमें गेम गाम चलाने लगे थे उसका कुछ गलत ही उपयोग किया गया जी। वो पेरेंट्स की कमी है, खट्टर जी की कमी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी की कमी नहीं है, पेरेंट्स की कमी है, पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते, वो खुद ही मोबाइलों पर लगे हुए हैं, खुद ही उस पर टीवी पे लगे हुए हैं। मैं कहती हूँ कि हर घर में एक टीवी से दूसरा टीवी होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब भी देखेंगे कम से कम फैमिली के साथ बच्चे बैठ के देखेंगे, ये नहीं होना चाहिए कि आज बच्चे कार्टून देख रहे हैं, आज बच्चे गलत कुछ सोसाइटी में बैठे हैं, नाइट को पेरेंट्स सो गए हैं। मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगी कि मैंने खुद ही इसको फॉलो किया। जो गांव की पंचायत काम कराओ जी, उसका एक पोर्टल पर सारा का सारा डाटा डाला जाओ कि कितना बजट आया, कितना कहाँ लगा है, और लोग हैं जो गांव के लोग अपना सुझाव डाल इसका उसमें, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहती हूँ कि गांव वाली लेडीज़ को आगे आना चाहिए, और आगे आना चाहिए, अभी तो आगे हैं ही, क्योंकि वो बेचारी सारा दिन घूंघट में रहती थी और सारा दिन ही नहीं वो क्या डोले पे न्यारी पाड़ती थी, कुछ नहीं करती थी, और अब देखो लेडीज़ मेरे ख्याल 60% 70% शहरों में आ रही हैं, वर्क कर रही हैं, अपना फिजिकल भी फिट हो रही हैं और
फिनेंशियली भी फिट हो रही है। जो 9 साल का जी मुख्यमंत्री जी यहाँ कार्यकाल रहा है तो किस तरह से देखो आप उस कार्यकाल? मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो इन्होंने ठेके बंद किए थे। ठेके वालों को ये तंगी हुई थी कि लेडीज ने ये काम कैसे करवा लिया। अब लेडीज ये कहती है कि अब हमारा हाथ आया तो हम आपके साथ हैं। सीधी सी बात, मैं डॉक्टर साहब से यही कहूंगी, अगर मेरी अपील को सुन रहे हैं तो पहले सबसे पहले गांव हो या शहर हो, मैं ये नहीं कहती, लिमिट में करें, जो है वो चलेगा। मतलब बिल्कुल ही बंद चाहो जी या फिर शहर से? नहीं 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 नहीं, लिमिट में हो। ये नहीं कि एक आदमी तो 10 बोतल लेके पेटी लेके शाम को घर के बच्चे भूखे मर रहे हैं और सड़ा पड़ा है नालियों में। आंटी जी बताओ, जो डिजिटल हरियाणा होया है, डिजिटल की बात करें तो डिजिटल पे भ्रष्टाचार कम होया या बढ़िया है? ये अच्छी बात हो गई कि जो खुद का काम है खुद करवा रहे हैं, कि अपना फोटो होता है जैसे रजिस्ट्री है या कोई लाइसेंस बनवाना है, वो अच्छी बातें हैं, मेरे को वो बुरी नहीं लगती। कम से कम यूँ है कि अब आदमी को पता तो चला ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसी की हेरा फेरी तो नहीं होएगी ना। अब वो है कि आगे पीछे जो लोग बैठे होते हैं वो जेब भरने के चक्कर में होते हैं। अच्छी बातें हैं ये, डिजिटल में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कोर्ट में भी आज मैंने देखा है कई बार जाना हुआ, जैसे किसी की हेल्प के लिए भी जाना पड़ता है, खुद के लिए भी जाना पड़ता है, तो लाइन से काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 का चुनाव आज किस तरह सरकार आप आगे चाहो? देखो मैं तो ये कहूँगी जिस भी सरकार ने आना है हमारी अपीलों को स्वीकार करे। आंटी जी तो बातचीत करिए, आपने अपने विचार रखने, डिजिटल हरियाणा को लेकर बात करिए कि उससे भ्रष्टाचार खत्म होया या ज़्यादा बढ़िया है और क्या कुछ सुविधाएं लोगों को मिल रही है डिजिटल हरियाणा तक, तो आपने अपनी राय कमेंट में देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।